मुंबई में एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ और सोशल वर्कर हूँ। जैसा कि आपने सवाल किया कि फिल्म किस हद तक सफल होगी, तो मुझे पूरा यकीन है कि फिल्म बहुत बढ़िया करेगी। राजन जी एक अच्छे अभिनेता हैं, बिहार की उस पावन धरती से आते हैं जहाँ बुद्ध महावीर एक समय में हुआ करते थे, और मैं पिछले 20 साल से राजन जी को व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ, इनका लोकल गार्जियन भी हूँ। इतना मेहनती, इतना संघर्षशील, जिस काम में भी राजन जी लग जाते हैं अपना पूरा 100% एफर्ट देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपकी जो पूरी टीम रही, कोई स्टार्स रहे राजन जी के साथ, सबने बेहद मेहनत की है, एक अच्छी फिल्म बनी है, और इस फिल्म को मैं शुभकामनाएं देता हूं, इसकी सफलता के लिए कामना करता हूं। अभिनेता राजन जी को और इनके को स्टार्स को मैं उज्जवल भविष्य के कामना करता हूं। अभिनेत्री जी जो डेब्यू कर रही हैं भूमिका जी, इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और राजन जी कोई परिचय के मोहताज नहीं है, ये कोई उनकी पहली फिल्म नहीं है। शहर मसीहा में पहले भी आप अभिनेता काम कर चुके हैं, और सिर्फ काम ही नहीं कि एक पहचान भी आपने बनाई हुई है, और चार्ली टू के नाम से आप पूरे दुनिया में फेमस हैं। चार्ली टू को आपने बुलंदियों तक पहुंचाया है, और उसी क्रम में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज हुआ है। निश्चित तौर पर हम सब आपके चाहने वाले मित्र, इष्ट मित्र सारे प्राउड फील करते हैं। तो राजन जी एक बेहतरीन इंसान होने के साथ साथ बेहतरीन कलाकार हैं, बेहतरीन एक्टर हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि आगे एक लंबा रास्ता राजन जी को तय करना है, इस अभिनय के क्षेत्र में, इस फील्ड में एक मुकाम हासिल करना है। और मुझे पूरा यकीन है कि राजन जी एक दिन जहां पहुंचना चाहते हैं, आप सितारे बनेंगे, उस बुलंदियों पर पहुंचेंगे जहां हम सब देखना चाहते हैं। इस मामले में मैं एक ही कहूँगा, अगर वो मुजरिम साबित हो जाते हैं उनको सरे आम गोली से उड़ा देनी चाहिए, पब्लिक के बीच में उसको हैंग करके उड़ा के पब्लिक के बीच में 2 दिन लटका के रखो कि किसी की बच्चियों के साथ, किसी की बहू बेटी के साथ करने का ये रिजल्ट है। कोई ज़िंदगी में क्या सपने में नहीं सोच सकता कि किसी की बहू बेटी के साथ ऐसी हरकत करे आइंदा कभी। सरे आम गोली मार के, जैसे मैं वीडियो देखता हूँ कि अरब कंट्रियों में जो होता है, वो सरे लॉ यहाँ शुरू कर देने चाहिए। ये जो दलिंदे जो है ना, हैवानियत का दलिंदा लेके जो अपने जिसम लेके चलते हैं, इनकी दलिंदरी वहीं चौराहे में सबके बीच में उड़ा देनी चाहिए, अगर वो मुजरिम साबित हुए तो। एक बाप अपने बच्चे को क्या शुभकामना देता है, दिखता नहीं है लोग को, वो आप चली आती है, तो ये होता है अपनी शुभकामना। आप सवाल पूछो, लास्ट में मैं सबका एक साथ में जवाब दूंगा। और एक सिखाने का तरीका है, और ये तरीका मैं अभी आपके सवाल के पहले मैं रिपीट करना चाहूँगा। ये तरीका है फिल्म, व्हाट इज फिल्म, क्या फिल्म क्या है? आदमी लोग, इंसान लोग, जानवर लोग, जितने जीव है, वो जीव की लाइफ जो है, हर एक की अपनी अपनी लाइफ है, वो लाइफ को, खास करके ह्यूमन लाइफ को रिप्रोडक्शन करके स्क्रीन पर लाया जाता है। और वो उसका सिखाने का मकसद ये है कि इसमें जो गलतियां है वो सुधार लो, वो अच्छाइयां है वो ले लो, और आपको सही माने में एक अच्छा इंसान, गॉडली ह्यूमन बीइंग जिसको बोला जाता है, अच्छा का मतलब ये है। तो मैं एक सेंटेंस बोलूंगा, एक हिंदी फिल्म के गाने की आधी लाइन है, वो लाइन सबके दिल में आ जावे तो कोई स्टोरी नहीं बचेगी मारा मारी की। वो ये है, बहुत बड़े फेमस एक्टर थे भैया, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है।
बहुत अच्छा लग रहा है और पोस्टर भी लॉन्च हो गया, दूसरा पोस्टर बहुत अच्छा लग रहा है। इस फिल्म में, नमस्ते बिहार फिल्म में मेरा मुनीम का कैरेक्टर है। राजन सर के साथ मेरी दूसरी फिल्म है। फिल्म इससे पहले फिल्म आई थी शहर बसिया नहीं, उसमें ग्रेजुएट चाय वाले का कैरेक्टर था। मुझे उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा और इस फिल्म में मेरा मुनीम का कैरेक्टर है। जो इस फिल्म में एक गेंदा भाई विलन होते हैं, उनका हिसाब किताब मैं ही देखता हूँ और निगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों के साथ मैं ही होता हूँ इस फिल्म में। सेंट्रल कैरेक्टर हो। जी 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 जी। देखिए, नमस्ते लंदन भी मैंने पिक्चर देखी थी जो लंदन में बनी थी। एक हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी मिट्टी की बू जो बिहार से आती है वो हमारे राजन जी ही सोच सकते हैं उस सिलसिले में। और मैं, मुझे ऐसा लगता है कि आज तक हिंदुस्तान में जितनी भी फिल्म बनी है जो हिंदुस्तानी बेस है वो पिक्चर सुपर डुपर हिट हुई है। चाहे मुगले आजम ले लो, चाहे शोले ले लो, चाहे राजा हिंदुस्तानी ले लो, जितनी पिक्चर हिंदुस्तान पे बेस है, गदर ले लो, बॉर्डर ले लो, सब उनमें से। मैं चाहता हूँ कि नमस्ते बिहार भी उनके करीब जाके उन तक हिट हो और राजन जी और भूमिका जी दोनों को एकदम सफलता मिले ये फिल्म का। भाई साहब आए, राजन जी इज़ वेरी गुड फ्रेंड एंड वेरी गुड फैमिली फ्रेंड। इन्होंने मुझे स्क्रिप्ट सुनाई, ये है और इसमें आपका महेंद्र सिंह या कोई क्या बोला था, गेंदा सिंह का रोल था ये हो। तो मैं बड़ा एक्साइट, चलो राजन जी बोल रहे तो बिहार में जाएंगे। तो मैंने बोला राजन जी, मेरा खाने का बड़ा शौकीन हूँ। बोला राजन जी मेरा बॉय। बोला नहीं, मैं आपके सामने बॉय की लाइन लगा दूंगा ये वो। राजन जी बोल के पूरा पंप करके चले गए और मेरा वर्कआउट चालू हुआ। भाई गेंदा लगने चाहिए पावरफुल, राजन जी से एक्शन होगा और उसी का नतीजा मैं इतने एक्शन करके फिट हो गया। वो ग्रेट पिक्चर तो नहीं किया लेकिन मैंने अपने आप को मेंटेन कर लिया। फायदा देखिए नमस्ते बिहार का और नमस्ते बिहार का। और जब ये वहाँ से फिर इनकी मुलाकात हुई, इनके जो वाइफ है कल्पना जी, शी इज लाइक माई सिस्टर। मैंने कहा कल्पना जी, तो मिलने गया तो राजन जी मिल गए। बोला राजन जी वो क्या हुआ? बोला नहीं, वो पिक्चर बन गई, खत्म भी हो गई और उसका लॉन्च पोस्टर आपको करना है और मैं यहाँ बैठा हूँ पोस्टर लॉन्च करने। फिल्म की शूटिंग नहीं की मैंने, नेक्स्ट फिल्म में अभी इनको पकड़ूंगा। हाँ, मैंने एक कविता लिखी थी, मैं बिहार हूँ। तो मेरे जहन में हमेशा ये था कि बिहार को लेकर जितनी फिल्में बनी हैं कहीं ना कहीं उसमें कुछ चीज़ें ऐसी रह गई हैं जो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी को प्रेजेंट करता है। तो इस फिल्म के थ्रू हमने नमस्ते बिहार, जैसा हमारा टाइटल है, हमने कोशिश की है कि देखने वाले दर्शक बिहार को एक बार दोबारा नमस्ते करने को मजबूर हो जाएं। और इस मुहिम में हमारा जो साथ दिया है वो क्राइम जर्नलिस्ट, जो इस फिल्म में भूमिका कलिता जी रेशमि सिन्हा का किरदार कर रही हैं, उन्हीं के ऊपर ये पूरी फिल्म है। वो अगर नमस्ते बिहार नामक एक अखबार के लिए काम करती हैं वो, और हमेशा सच्चाई का साथ देती हैं, बिहार के खिलाफ जो भी गलत आवाज़ उठती है उसके लिए ये लड़ती हैं वहाँ, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इनके ऊपर आ जाता है। तो ऐसे में जो हमारे फिल्म का हीरो डब्लू है वो फिर मोर्चा खोलता है और इनको सही सलामत बचाता है और फिर मिशन में कामयाब होते हैं ये। तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा फोकस रहा है कि नमस्ते बिहार दर्शकों को एंटरटेन करने के साथ ही साथ एक सोशल मैसेज दे जाए कि बिहार आज भी सच में बहुत खूबसूरत राज्य है जहां आप कुछ भी अच्छा कर सकते हैं। अब भी आप जाकर ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं वहां, जैसे भगवान बुद्ध को मिला था। तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये फिल्म, इसके सारे स्टार कास्ट बहुत अच्छे हैं, टेक्निकल टीम ने काफ़ी अच्छा काम किया है। जैसा कि मैंने कहा कि 7 स्टेट से लोग, टेक्निकल लोग इसमें जुड़कर काम किए। एक्शन डायरेक्टर हमारे दामोदर माँ चेन्नई से थे, जो कैमरामैन अनिल वाघेला हैं वो राजकोट गुजरात से अपनी टीम के साथ आए थे। इसमें जो हमारे डांस डायरेक्टर हैं वो बॉम्बे से गए हुए थे। आसाम से भूमिका कलिता जी डायरेक्टली, इनकी डेब्यू फिल्म है ये। कई ऑडिशंस के बाद हमने इनको सेलेक्ट किया क्योंकि बिल्कुल एक अलग हट के आम लोगों से मिलता जुलता कैरेक्टर इनका है, रेशमि सिन्हा का, जो एक कद्दावर पत्रकार हैं। आज पोस्टर लॉन्च है एंड काफ़ी खुशी का माहौल है ये, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि ये हमारा सेकंड पोस्टर लॉन्च हो रहा है। एंड इस फिल्म में मैं एक क्राइम जर्नलिस्ट का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, जो कि काफ़ी ब्रेव है एंड इट्स वेरी करेजियस कैरेक्टर है। एंड आई एन्जॉयड अ लॉट क्योंकि जर्नलिज्म
कितनी डिफ़िकल्ट है, इट्स अ जॉब, वेरी डिफ़िकल्ट जॉब, उस चीज़ को मैं दिखा पाई हूँ लोगों को. एंड यस, आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट एंड वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. बचपन का रोल क्या है? जो डब्ल्यू जो फिल्म के हीरो है, जो मेरे पापा बने हैं, ये मेरा फर्स्ट टाइम फिल्म था और पापा ने मेरे करियर में एक बिगनिंग दिया है. और क्वेश्चन इज वेरी नाइस. अगर बिहार गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं होता तो शायद हम इतनी खूबसूरत फिल्म नहीं बना पाते. और बिहार गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशंस बहुत रखता हूँ मैं, क्योंकि फिल्म बड़ी है. बिना उनके सपोर्ट के हम इसको ऑल ओवर वर्ल्ड रिलीज़ नहीं कर सकते हैं. तो ऐसे में हमारी बातचीत चल रही है गवर्नमेंट से. उनका अगर सपोर्ट मिल जाता तो डेफिनेटली इस फिल्म के माध्यम से हम बिहार को और अच्छे तरीके से लोगों के सामने रख पाएंगे. थैंक यू.